नमस्कार, मणिगुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। बाजार में एनएफओ की बहार है और इस हफ्ते ही 8 नए फंड ऑफर अलग अलग कंपनियों ने पेश किए हैं, जिनमें से 4 ईटीएफ, 1 मनी मार्केट फंड, 1 मल्टी कैप, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हैं। तो क्या ऐसे फंड में निवेश करने का ये सही समय है? एनएफओ में निवेश की क्या है खासियत और एनएफओ में निवेश करें तो क्यों करें, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे अपने खास एक्सपर्ट से। परिचय करा देते हैं, हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और हर्षवर्धन रूंगटा, सीएफपी रूंगटा सिक्योरिटीज से। हेमंत जी और हर्षवर्धन, दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यू फंड ऑफर, लगातार हम अलग अलग एएमसी की तरफ से नए फंड के ऑफर देखते रहे हैं और बीच में एक ऐसा दौर आता है जब बहुत सारे फंड्स सब्सक्रिप्शन के लिए खुलते हैं, ये कुछ वही दौर अभी चल रहा है। सबसे पहले एनएफओस के बारे में समझना बेहद जरूरी हो जाता है। हेमंत जी, एनएफओ जब हम कहते हैं तो क्या खासियत होती है इसकी? जब कोई कंपनी एक एनएफओ लेकर आती है, क्यों लेकर आती है, क्या इसका मकसद होता है? जी स्वाति, देखिए जब हम बात करते हैं एनएफओ, एनएफओ का मतलब है कि न्यू फंड ऑफरिंग। जैसा कि नाम से बात चलता है कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड कोई नया फंड लॉन्च करते हैं तो एक एनएफओ पीरियड रहता है, वो जनरली अप टू 15 डेज रहता है। उस दौरान जब आप उस फंड में एप्लीकेशन देते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो एट पार एनएवी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एनएफओ पीरियड खत्म होने के विद इन 5 डेज यूनिट्स अलॉट होती है, उसके बाद से फंड जो है वो रीओपन होता है एनएवी के सेल और रिडम्पशन के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि किसी भी निवेशक को एनएफओ को ऐसा देखना चाहिए कि किसी भी फंड का वो स्टार्टिंग पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है, कोई एक्साइटिंग थीम होता है या कोई सेक्टर होता है तो हमें लगता है कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि उस समय पे जब फंड ने लॉन्च किया हो उनको लग रहा हो कि ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं, बट वो एज एन इन्वेस्टर फिर आपको समझना होगा कि वो आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। तो न्यू फंड ऑफरिंग, जैसा मैंने कहा, एनएफओ इज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी फंड का। क्योंकि अगर आप ओपन एंडेड फंड की बात करें तो उनकी लाइफ परपेचुअल होती है, क्लोज एंडेड फंड में डिफाइंड होता है कि कितना टाइम के लिए फंड रहेगा। बट दोनों ही केसेस में एनएफओ एक किसी भी फंड का स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो एनएफओ किसी भी फंड की शुरुआत, एक लॉन्च जिसको हम कहते हैं, उसके बाद एनएफओ अवधि जब खत्म हो जाती है तो फिर ये एक बार फिर से निवेश के लिए ओपन हो जाता है ये फंड। अब कौन से एनएफओस की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली कौन कौन सी कैटेगरीज में नए एनएफओस आए हैं, वो अब हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि इस पूरे इस अवधि के दौरान ही मनी मार्केट फंड कैटेगरी में एनएफओ लॉन्च हुआ है, फिर ईटीएफ कैटेगरी के 3 एनएफओस आए हैं, मल्टी कैप हो गया, सेक्टर फंड है, थीमेटिक फंड है, हम आपको दिखाएंगे भी। ये देखिए अलग अलग कैटेगरीज के जो बाजार में जो न्यू फंड ऑफर हैं वहां पर इस प्रकार के जो फंड है वो सामने आए हैं। इसमें शुरुआत मनी मार्केट से करते हैं हर्षवर्धन। अभी मनी मार्केट कैटेगरी में एनएफओ लाने का क्या मकसद हो सकता है? जैसे बजाज फिनसर्व का मनी मार्केट का जो एनएफओ है वो फिलहाल सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है, तो एक मनी मार्केट में अभी निवेश करने का क्या फायदा हो सकता है किसी भी निवेशक के लिए? सो देखिए स्वाति, एनएफओ की जो बात कर रहे हैं हम, तो एनएफओ एक ऑफरिंग है जो एक नया फंड एक एएमसी इंट्रोड्यूस करता है। तो नया फंड 2-3 कारणों से होगा। एक ऑफकोर्स ये है कि उन्हें एक कोई नई आइडिया है जो प्रेजेंट करनी है, जो थीमेटिक और सेक्टर फंड में ज्यादा होता है, क्योंकि हर एक कैटेगरी में सेबी ने डिफाइन कर दिया कि आपका एक ही फंड होना है। तो अगर आपका लार्ज कैप है तो उसमें एक ही फंड होगा, उसमें आप वापस दूसरा फंड लार्ज कैप की कैटेगरी में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि थीमेटिक सेक्टर सेगमेंट में बहुत सारे फंड इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। आपका सवाल बहुत स्पेसिफिक है कि ये मनी मार्केट फंड क्यों इंट्रोड्यूस होगा, कि जब हम कोई भी ऑफरिंग कर रहे हैं, जैसे आप बाकी सब फंड की भी हम देखेंगे तो जो फंड हाउसेज हैं जिसमें ईटीएफ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, वो एसेंशियली इसके लिए कि हर एक फंड हाउस चाहेगा कि उनके पास सारी ऑफरिंग्स हो। अगर किसी को निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, किसी को प्राइवेट बैंक में करना है या पीएसयू बैंक में ही करना है, तो उनके पास एज अ फंड हाउस एक ऑप्शन होना चाहिए। तो न्यू फंड ऑफरिंग आज की तारीख में अगर मैं कहूंगा तो ये सारे फंड जो हम देख रहे हैं एक्सेप्टिंग 1 और 2, वो बेसिकली अपना पोर्टफोलियो पूरा करने के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा कोई नया आइडिया नहीं है। ऐसा नहीं कि पीएसयू फंड में, अगर पीएसयू बैंक में भी इन्वेस्ट करना है तो बहुत अच्छा मौका है, ऐसा नहीं है। ये अपनी एक कैटेगरी की एक जो स्कीम है वो ऑपरेट करना चाहते हैं,
और अपने इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन देना चाहते हैं, ये नहीं कि वो किसी और के फंड हाउस में, अगर किसी को पीएसयू में इन्वेस्ट करना है, पीएसयू बैंक में, और अगर एक फंड हाउस ऑफर नहीं कर रहा तो उन्हें, अगर मान लीजिए किसी को डीएसपी का ही इन्वेस्ट करना है लेकिन डीएसपी के पास ऑफरिंग ही नहीं है, तो वो किसी और फंड हाउस के पास जाएगा। तो इसी के लिए फंड हाउस अपनी सारी प्रोडक्ट बास्केट को पूरा कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये अलग अलग कैटेगरीज जिसमें अभी निवेश के मौके हैं, नए फंड में निवेश के मौके हैं, इसका जिक्र हर्षवर्धन ने भी किया। सूटेबिलिटी की बात कर लेते हैं हेमंत जी, मनी मार्केट फंड, इसमें निवेश किसे करना चाहिए, किन मकसद के लिए ऐसे किसी डेट फंड में निवेश करना चाहिए, इससे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्योंकि अगर अभी बाजार में एक नया फंड भी आया है तो डेफिनेटली एक नया विकल्प भी आ गया है निवेशकों के पास, पर ऑल इन ऑल इस कैटेगरी में स्पेशली मनी मार्केट फंड में क्या खासियत है? देखिए साथी, अगर हम मनी मार्केट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो जो सुटेबिलिटी है वो बेसिकली अगर आपको शॉर्ट टर्म पार्किंग करनी है, मान लीजिए आपके पास कुछ दिनों का कुछ हफ्तों का पैसा है और आप नहीं चाहते कि उस दौरान किसी भी वॉलेटिलिटी का आपको फेस मुकाबला करना पड़े, या आप चाहते हैं कि ऐसी ऑप्शन हो जो मान लीजिए कुछ दिनों के लिए सेविंग बैंक में रखा, वहां पे कुछ मिले ना मिले डिपेंडिंग ऑन किस पीरियड में आप इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, वॉलेटिलिटी बहुत कम है। तो मनी मार्केट जो एज ए कैटेगरी है वो बेसिकली उन निवेशकों के लिए है जिनको शॉर्ट टर्म में पार्किंग करनी हो। मनी मार्केट एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। तो जब हम सुटेबिलिटी की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत ही कम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उन्हीं ऑप्शन में करो जो उसके लिए सुटेबल है। अगर यही पैसा आप किसी हाइब्रिड फंड या इक्विटी में लगाएंगे तो बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे, और लॉन्ग टर्म का पैसा अगर आप मनी मार्केट फंड में लगाएंगे तो भी आप रिस्क लेंगे, क्योंकि जहां आपको अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए था दूसरे ऑप्शन से, वहां पे आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलेगा। तो कुछ समय के लिए अगर आपको पैसा लगाना है और आप नहीं चाहते कि वॉलेटिलिटी हो और आपको सेविंग बैंक से बेहतर थोड़ा रिटर्न मिले, तो उन उन निवेशकों के लिए ये मनी मार्केट फंड है। ऐसे बहुत सारे फंड हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है, क्योंकि बाजार नई एमसी है, नया फंड लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने शुरुआत जो है इससे की है और एक फ्लेक्सी कैप से की है। धीरे धीरे जैसा हर्ष ने भी कहा कि वो अपनी डिफरेंट कैटेगरीज के फंड लेके आएंगे, क्योंकि उनको अपनी बास्केट कंप्लीट करनी है। तो एज एन इन्वेस्टर में, चाहे आप किसी नए फंड में जाए या आप किसी एग्जिस्टिंग फंड में जाए, मनी मार्केट फंड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो एक ये ऐसा एनएफओ है कि अगर आप इसमें एनएफओ में इन्वेस्ट भी करना चाहें तो कोई नेगेटिव उसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। ओके, अब और जो ऑफरिंग है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमने हाल फिलहाल में काफी देखा है कि जो एएमसीज है वो पैसिव फंड्स में काफी ज्यादा फोकस कर रही हैं। पिछले कुछ साल की शुरुआत से काफी सारे जो फंड्स आए हैं वो पैसिव कैटेगरी में आए हैं। अभी भी जो हम हाल के समय में डीएसपी के ही देख रहे हैं, मैक्सिमम जो न्यू ऑफरिंग्स हैं वो ईटीएफ में है, उसमें भी हम सेक्टोरल ईटीएफ में देख रहे हैं। डेफिनेटली जैसा हर्षवर्धन भी बता रहे थे और हेमंत जी भी बता रहे थे कि डेफिनेटली एएमसी जो है अपने बास्केट को पूरा करती है, पर अगर हम कैटेगोरिकली ईटीएफ या फिर सेक्टोरल ईटीएफ की बात करें, हर्षवर्धन क्या खास है इस कैटेगरी में और कैसे निवेशक को किसी एक सेक्टोरल ईटीएफ में निवेश करना चाहिए ऐसे समय पे? वेल देखिए स्वाति, बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पैसिव फंड बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, और ये पॉपुलैरिटी गेन क्यों कर रहे हैं? सो वन इज ऑब्वियसली कि इनके कॉस्ट कम होते हैं। सो जो टीईआर है, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो या जो फंड मैनेजमेंट कॉस्ट है जो एक इन्वेस्टर भरता है, वो एक पैसिव फंड में कम होते हैं एज कंपेयर टू एक्टिव फंड। अब ये जो ईटीएफ की जो इंट्रोडक्शन हो रहा है, आप एक देखेंगे, आप ये प्राइवेट बैंक ईटीएफ है, दूसरा पीएसयू बैंक ईटीएफ है। तो ये करते क्या है? सो अगर आप प्राइवेट बैंक ईटीएफ का बात करें, सो निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स जो है जिसमें प्राइवेट बैंक है सारी, तो नॉन पीएसयू सारी प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बैंक मतलब आप ये एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक, ये सारी प्राइवेट बैंक की बात करेंगे, उनमें ही उन्हीं बैंक के शेयर्स में ये ईटीएफ इन्वेस्ट करेगा। सो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मानते हैं कि मुझे बैंकिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है और बैंकिंग में पर्टिकुलरली मुझे प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप ये ईटीएफ लेते हैं तो आपको सारी प्राइवेट बैंक की शेयर्स आपको मिलेंगे। और ऑब्वियसली क्योंकि जैसे आपने बताया कि एक सेक्टर फंड है,
सो ये तभी आप लेंगे जब आपको लगता है कि आपको बैंकिंग सेक्टर में आपको यू नो तेजी दिख रही आगे जाते हुए और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं. पीएसयू बैंक ऑन द अदर हैंड सिंपल है कि सारी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके शेयर्स में. तो कई इन्वेस्टर्स हैं जो ऐसा मानते हैं कि पीएसयूज में अंडर वैल्यूएशन है, विच मीन्स कि उनकी जो रियल वैल्यू होनी चाहिए वो उनको अभी मार्केट की प्राइसेस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है और उसमें ग्रोथ का स्कोप है, तो आप पीएसयू बैंक लेते हैं. सो इस तरह आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे किस तरह के सेक्टर में इन्वेस्ट करना है. और उस सेक्टर में अगर ये जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, इसमें आप फर्दर डिवाइड करेंगे और आप देखेंगे प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक. तो कोई भी, और अगर इस ऑफरिंग की हम बात करें, इसमें ना ही कोई फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस या पास्ट रिकॉर्ड की कोई जरूरत नहीं. क्योंकि क्या ये स्कीम करने क्या वाली है, ईटीएफ करने क्या वाला है, सिंपली आपको रेप्लिकेट करेगा आपका निफ्टी का प्राइवेट बैंक इंडेक्स और निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स. सो इसमें जो हम बात करते हैं कि जब न्यू फंड ऑफर आता है, पास्ट परफॉर्मेंस देखिए कि कोई एग्जिस्टिंग स्कीम है तो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो वो देख के आप इन्वेस्ट करें, एनएफओ में ना करें. लेकिन ये वाले जो एनएफओज हैं, जो पैसिव फंड्स के एनएफओज हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फंड मैनेजर अपनी कोई एक्सपर्टीज लगाने ही नहीं वाला. ऑब्वियसली उसे ट्रैकिंग एरर वगैरह को कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये इस तरह के इन्वेस्टमेंट होने वाले. तो हर एक इन्वेस्टर को बहुत ध्यान देना होगा कि सिर्फ एनएफओ है उसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना नहीं, लेकिन मुझे अगर इस पर्टिकुलर एनएफओ में करना है जो कि इंडेक्स को ट्रैक करता है, तो मुझे पास्ट परफॉर्मेंस कोई एग्जिस्टिंग कोई दूसरी स्कीम है जो बहुत सालों से, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता इन पर्टिकुलर ईटीएफ इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ के लिए. ओके एब्सोल्युटली. तो ये हमने पैसिव इन्वेस्टिंग की बात की जो कि न्यू ऑफरिंग आ रही है कंपनीज की तरफ से. एक्टिव स्पेस में हेमंत जी मल्टी कैप फंड जैसे कैनर रोबेको मल्टी कैप लेकर आई है, डेफिनेटली उनके बास्केट में मल्टी कैप नहीं होगा तो उन्होंने एक फंड ऐड किया है. पर ऑल इन ऑल अगर अब अभी के बाजार के माहौल में हम मल्टी कैप निवेश की बात करते हैं तो कितना सूटेबल ये बैठता है, नोइंग द फैक्ट कि हमें मालूम है कि बाजार काफी ज्यादा अच्छे हाई पर है, तो ऐसे में अभी मल्टी कैप निवेश एक पोर्टफोलियो के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? देखिए स्वाति, मेरा ये मानना है कि मल्टी कैप एज ए कैटेगरी, स्पेशली जब आप एक्टिव फंड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है. क्योंकि जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम अपना एसेट एलोकेशन देखते हैं, लॉन्ग टर्म का पैसा हम इक्विटी में लगाते हैं, बट उसके साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन ये होता है कि हम इतना पैसा डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में लगाएं. एज एन इन्वेस्टर कभी कभी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये डिसाइड करना. हालांकि मेरा ये मानना है हमेशा कि जब आप एक आम निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं थोड़ा बायस जो है वो लार्ज कैप में होना चाहिए, यानी एक्सपोजर जो है आपका लार्ज कैप में ज्यादा होना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले में. बट उसको डिसाइड करना, फिर समय समय पर उसको रीबैलेंसिंग करना, उसके जो टैक्स इम्प्लीकेशन है वो करना थोड़ा सा मुझे लगता है कंबर्सम होता है इन्वेस्टर्स के लिए. तो मुझे लगता है कि मल्टी कैप कैटेगरी जो है बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि एज पर सेबी डेफिनेशन तीनों सेगमेंट में फंड मैनेजर को मिनिमम 25% एलोकेट करना है और जो बाकी 25% है वो अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो अगर हम मल्टी कैप फंड्स के पोर्टफोलियो को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि अमूमन जो है 40-45% पैसा जो है वो लार्ज कैप में रहता है, बाकी मिड और स्मॉल में रहता है. तो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे ये है कि तीनों सेगमेंट में आपकी एलोकेशन बनी रहेगी. और जैसा आपने कहा कि बाजार हाई लेवल पे है, मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी रैली देखी गई है, बट मुझे लगता है कि अभी भी आगे इक्विटी मार्केट के लिए समय अच्छा रहेगा. देखिए थोड़ी बहुत करेक्शन तो हमेशा होती है, तो वो तो आपको उसको तैयार होना पड़ेगा, और इसलिए डिसिप्लिन तरीका जो है इन्वेस्ट करने का अच्छा है. तो मुझे लगता है ये एक अच्छी कैटेगरी है. लेकिन यहाँ पे भी कई सारे ऐसे फंड हैं जो काफी समय से मार्केट में है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, उनका पोर्टफोलियो देख सकते हैं. तो अगर आपको लगता है कि मल्टी कैप आपको लेना भी है पोर्टफोलियो में, तो मुझे नहीं लगता किसी एनएफओ में मल्टी कैप में जब तक आप उसका पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी फिलोसफी नहीं देखें तो कोई जल्दबाजी करके उसमें इन्वेस्ट नहीं करना. क्योंकि अगर आप मल्टी कैप आपके पोर्टफोलियो में फिट भी होता है तो भी एग्जिस्टिंग फंड्स हैं जहां पे आप देखें. और जैसे हमने पहले बात की थी, देखिए जब फंड हाउसेस फंड लॉन्च करते हैं तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम ये लॉन्च करें ताकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना एक हम एक जो है ट्रैक रिकॉर्ड बनाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर फिर वहां पे अट्रैक्ट होकर इन्वेस्ट कर सके. तो उनको थोड़ा समय दीजिए, उनका पोर्टफोलियो बनने दीजिए, उनका सेक्टर एलोकेशन देख लीजिए, और ये भी देख लीजिए कि उनमें वाकई में, हालांकि अलग अलग फंड मैनेजर हो सकते हैं लार्ज मिड स्मॉल के लिए, कि उनके पास एबिलिटी है तीनों सेगमेंट में ठीक तरीके से परफॉर्म करने. तो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी,
बट डेफिनेटली मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ नया है उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग फंड्स में नहीं है। पोर्टफोलियो बनने दीजिए, अच्छा लगे उसके बाद देखिए। अगर आपको मल्टी कैप में डालना है तो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, मुझे लगता है उसमें काफी क्वालिटी फंड्स अवेलेबल। एब्सोल्युटली। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, इसमें क्या खास है? नए एनएफओस जो हैं वो सेक्टर थीमेटिक फंड में भी आए हैं, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर में निवेश सही कि नहीं, इस पर करें खास चर्चा। बहुत सारे जो एएमसीज हैं वो नए फंड की ऑफरिंग लेकर आए हैं, बजाज फिनसर्व, डीएसपी का, कैनरा रोबेको, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, कोटेक क्वांट फंड लेकर आए हैं, जिसमें मनी मार्केट भी है, ईटीएफ्स हैं, मल्टी कैप, सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड्स, बेसिकली एक्टिव और पैसिव का एक कंप्लीट बास्केट है, अलग अलग हम एनएफओस के जरिए समझे। हर्षवर्धन, अब जरा हमने जब ईटीएफ की बात की थी तो सेक्टोरल ईटीएफ की बात की थी, दैट मीन्स हम पैसिव इन्वेस्टिंग की बात कर रहे थे विद इन सेक्टोरल फंड, पर अब जब एक्टिव स्पेस में हम बात करते हैं जिसमें बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टोरल फंड लेकर आया है, तो सेक्टोरल फंड इन एक्टिव स्पेस, वो आपको कैसा लगता है किसी के पोर्टफोलियो में आज के टाइम में? तो सर देखिए साथी, पहले आपको ये डिसाइड करना होगा एज एन इन्वेस्टर कि मुझे कोई सेक्टर में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। सो सेक्टर फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं, वो एक पहला क्वेश्चन का आपको खुद को एज एन इन्वेस्टर एक आंसर ला पाना है। अगर आप डिसाइड करते हैं मुझे सेक्टर फंड में जाना है, तब आप ये डिसाइड करते हैं मुझे एक्टिव स्ट्रैटेजी लेनी है कि पैसे। नाउ अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपको अल्फा जनरेट करने का एक मौका मिले और तभी आप ये हाई रिस्क लेना चाहते हैं, तब एक फंड मैनेजर को आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप सिंपली एक इंडेक्स को रिप्लिकेट ना करें, लेकिन आप अपने हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से ज्यादा अल्फा क्रिएट करने की कोशिश करें। तो अगर एक सेक्टर फंड इन्वेस्टर है तो मेरी समझ में ये है कि वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, उन्हें एंट्री और एग्जिट दोनों प्लान करनी है, विच मीन्स कि एक पर्टिकुलर सेक्टर पे मुझे, मैं बुलिश हूं, लेकिन उस सेक्टर में जरूर नहीं कि सारी कंपनियां अच्छा करेंगी या जो इंडेक्स के वेटेजेस हैं वही वेटेज मुझे अप्लाई करने चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप उस दिशा में जा रहे हैं जो एक सेक्टर फंड की तरफ है, तो आप क्यों ना उसमें फंड मैनेजर को उनकी रिसर्च के बेसिस पे उन्हें कॉल लेने दीजिए कि कितना एलोकेशन एक पर्टिकुलर कंपनी में करना है, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, ये बहुत जरूरी होता है एक सेक्टर फंड में। और यही चीज लिबर्टी आपको सिर्फ एक एक्टिव फंड दे सकता है। पैसिव फंड में अगर आप जाते हैं, पैसिव सेक्टर फंड में जाते हैं, तो फंड मैनेजर उसमें कोई भी अपनी एक्सपर्टीज नहीं लगा रहे, वो सिंपली एक जो वेटेजेस इंडेक्स के हैं वही इंडेक्स के वेटेज के वो स्टॉक्स लेंगे, कभी भी एंट्री एग्जिट प्लान नहीं करेंगे और उतना ही वेटेज और वैसे ही आपका पोर्टफोलियो चलेगा। तो अगर आप एक सेक्टर फंड में जा रहे हैं तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि जब आपने वो कॉल लिया है तो क्यों ना उसके अंदर पोर्टफोलियो क्रिएशन, वेटेजेस वगैरह सब एक फंड मैनेजर को दें। तो एक सेक्टर फंड में एक्टिव स्ट्रैटेजी इज मच बेटर देन अ पैसिव स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से। ओके, और हेमंत जी, थीमेटिक कैटेगरी के लिए आप क्या कहेंगे? जैसे कोटक क्वांट फंड लेकर आया न्यू फंड ऑफरिंग में, एक थीमेटिक फंड है, उसमें एक्टिव स्पेस में कैसे मौके हैं, किन्हें निवेश करना चाहिए, कीपिंग इन माइंड ये एक थीमेटिक फंड है? देखिए साथी, मैं कहूंगा ये जो क्वांट फंड है बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी बोल सकता हूँ। पहली बात तो कि एग्जिस्टिंग अगर हम देखें तो खाली 6 फंड है इंडस्ट्री के अंदर जहां पे क्वांट बेस्ड स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज समझना ये कि किस तरह से ये फंड काम करते हैं। हर फंड, जो भी ऐसा एक फंड लेके आते हैं, तो उनका एक प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम मॉडल होता है। ऑब्वियसली कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन भी रहती है क्योंकि आप यूनिवर्स डिफाइन करते हैं, उसमें आप बैलेंस शीट का साइज देखते हैं, उनकी मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ देखते हैं, तो एक यूनिवर्स बनता है और फिर बेस्ड ऑन सर्टेन यू नो क्वांट मॉडल, आप जैसे इस फंड के अंदर 35 से 50 स्टॉक जो है मोमेंटम और वैल्यूएशन के हिसाब से बनेंगे और ज्यादातर जो पैसा है वो लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं एक ऑप्शन डेफिनेटली आपको देता है कि आप एक नई स्ट्रैटेजी, नई फिलॉसफी का एक फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें। बट मुझे लगता है कि जो नए निवेशक हैं या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स नहीं है या जिनका पोर्टफोलियो साइज बहुत बड़ा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उनको इस स्टेज पे क्वांट बेस्ड फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। हाँ, जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, पोर्टफोलियो बड़ा बन गया, वो लुकआउट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कुछ नया मिले, डिफरेंट मिले, जिससे वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर सकें, तो मे बी वहां पे सही है। तो मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग है,
वो इफेक्टिव है कि नहीं, ऑब्वियसली हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर बैक टेस्टिंग होती है डेटा के हिसाब से। तो उनको लगता है कि ये मॉडल जो अभी परफेक्ट हो गया इसको लॉन्च किया जा सकता है या इसके बेसिस पे पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, बट मार्केट कभी ना कभी आपको किसी ना किसी और तरीके से सरप्राइज कर सकता है। वो आगे जाके वो काम करेगा कि नहीं करेगा वो तो हमें देखना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगेन यहाँ पे मैं कहूंगा, पहली बात तो वो छोटे निवेशकों के लिए नहीं है, तो उन निवेशकों के लिए जो एक्सपीरियंस है, और जैसा मैंने कहा कि ये इंटरेस्टिंग जरूर है, इफेक्टिव है कि नहीं ये देखना पड़ेगा आगे जाके कि इनका जो मॉडल है वो किस तरह का स्टॉक सिलेक्शन करता है, किस तरह से चेंजेस करता है, और वो रिटर्न जनरेट करने में कितना इफेक्टिव है। तो मुझे लगता है कि शायद शुरुआत करना चाहे कर सकते हैं, बट अगर आपको साइजेबल कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है तो वेट करना चाहिए देखने के लिए कि मॉडल किस तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल हर्षवर्धन, निवेशकों की समझ के लिए एनएफओ में निवेश की जो प्रक्रिया है वो क्या है? वेल, कुछ फर्क नहीं है। तो बेसिकली जैसे आप कोई भी एक रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करते हैं वही आपका प्रोसेस रहेगा। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको सब्सक्रिप्शन करना है, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो फॉर्म भर के देना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि जब आप एप्लीकेशन करते हैं आपको एनएवी, जैसे एनएफओ पीरियड मान लीजिए 25 तारीख को बंद हो रहा है, 25 जुलाई को बंद हो रहा है, तो आप अभी जो आपने इन्वेस्ट किया है आपको तुरंत उसका स्टेटमेंट, उसकी एनएवी वगैरह दिखने नहीं चालू होगी। जिस तरह से अगर आपने कोई और दूसरे फंड में किया होता ओपन एंडेड में, तो आपको जिस दिन आप इन्वेस्ट करते हैं उसके दो दिन में आपको सारा स्टेटमेंट वगैरह सब आ जाते हैं। इसमें वैसा नहीं होगा, इसमें यूनिट अलॉट होंगी जब एनएफओ बंद होगा और उसके बाद आपको सारे स्टेटमेंट वगैरह एक साथ आएंगे। तो बस इतना ही फर्क है इन टर्म्स ऑफ यू नो एप्लीकेशन करने के बाद आपको स्टेटमेंट वगैरह कब तक आएंगे। लेकिन एप्लीकेशन करने का जो प्रोसेस है आप जैसे कोई भी फंड हाउस में करते हैं उसी तरह, कोई भी स्कीम में करते हैं उसी तरह आपको करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल हेमंत जी, इन एनएफओज में पर्टिकुलरली नहीं पर नॉर्मली जैसे जब कोई एनएफओ आता है तो एक निवेशक को उसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी शो की थीम यही है कि सही या नहीं, क्या ट्रैक रिकॉर्ड बिल्डअप होने का वेट करें। जैसा हर्षवर्धन बता रहे थे कि यूजुअली पैसिव फंड में इट डजंट मैटर, एक्टिव फंड में ज्यादा आपको ट्रैक रिकॉर्ड ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है, तो क्या यही जो तरीका है यहां पर अपनाया जा सकता है कि एनएफओ में आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, आई थिंक कुछ कैटेगरीज की हमने बात की, जैसे हमने इंडेक्स फंड की बात की, ईटीएफ्स की बात की, या जैसे मनी मार्केट फंड है, लिक्विड फंड है, मुझे लगता है उनमें अगर आप चाहें तो एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस पोर्टफोलियो की उस फंड की आपके पोर्टफोलियो में जगह है। बट जितने भी बाकी जो फंड्स हैं मुझे लगता है सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सुटेबिलिटी, स्पेशली अगर हम सेक्टर थीमेटिक की बात करें। दूसरा, जो भी एनएफओ को देखें अगर उस थीम कैटेगरी में एग्जिस्टिंग फंड्स हैं जहां पे आप पोर्टफोलियो देख सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कितना कंसिस्टेंट है, किस तरह का उन्होंने यू नो परफॉर्म किया है, और अगर आपके पास वो ऑप्शन है तो डेफिनेटली उनको आप देखिए। मेरा ये मानना है जैसा मैंने पहले भी कहा कि एनएफओ का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, हर फंड अपनी बास्केट को कंप्लीट करेंगे, एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उनको उनके फंड में इन्वेस्ट कर सके। तो मुझे लगता है उस केसेस में आपको फंड को समय देना चाहिए, उनका पोर्टफोलियो क्वालिटी देख लें, उनके लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन देख लें, उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए। ये नहीं है कि आपको कोई एक अच्छा सा एग्जॉटिक थीम दिख रहा है या आपको लग रहा है कुछ नया है, तब आप एज ए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर तब तो आप देख सकते हैं, मे बी अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगे आपको सुटेबल हो। तो एक आम निवेशक के लिए एक ऐसी कैटेगरी जिसके फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे नहीं लगता एनएफओ में इन्वेस्ट करने का कोई भी फायदा। ओके, तो एनएफओ में सोचे समझे फिर निवेश करें, यही दोनों एक्सपर्ट्स के आपके लिए राय है। और पोर्टफोलियो में कितना फिट बैठता है आपके लिए एनएफओ, इन तमाम बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। हेमंत जी, हर्षवर्धन, थैंक यू सो मच हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।